हेलो स्टूडेंट, ये देखिए आज हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए एक्टिविटीज़। ये है आपकी हिंदी की, ठीक। जैसे बिना मात्रा वाले शब्द, बच्चों को लगता है कि बिना मात्रा वाले शब्द बच्चों को कैसे सिखाया जाए, तो बच्चों को क्या कहिए, एक बार आप उनको रीडिंग कराइए। रीडिंग कराने के बाद उनको फिर आप बोल के लिखवाइए, या तो इस तरह से एक्टिविटीज़ दीजिए ताकि बच्चों को अच्छा लगे। जैसे हमने बनाया हुआ है ऐसे आप भी बना सकते हैं, और बनाने के बाद उसमें दो अक्षर, तीन अक्षर, चार अक्षर वाले जो शब्द होते हैं उनको आप उनसे कहिए वो लिखें। इस तरह से हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे लिखा गया है बिना मात्रा वाले शब्द, ऐसे सीट बना लेंगे। बच्चों को ऐसी सीटें बहुत अच्छी लगती हैं, ठीक। यहाँ जैसे दो अक्षर वाले, तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं, जैसे कल लिखा है तो इससे मिलते जुलते हमको शब्द लिख देते हैं, ये क्या लिख देते हैं हम, कम, ठीक। फिर इस तरह से हम लिख देते हैं मन, धन और आप लोग भी जानते होंगे कि इस तरह के अक्षर बच्चों को लर्न करने में बहुत अच्छे लगते हैं और लिखने में भी अच्छे लगते हैं। इस तरह से तीन अक्षर वाले जो शब्द होते हैं उनको भी हम लिखते हैं, ठीक है। तो तीन अक्षर वाले शब्द जब हम लिखना स्टार्ट करते हैं तो उसको क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे हमने लहर लिखा है तो फिर उसके बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं, कमल लिख सकते हैं, ठीक, कलश और मटर और क्या हो सकता है बेटा, आप लोग सोच के भी लिख सकते हैं। मटर के बाद और क्या लिखना चाहते हैं आप लोग, और हम लोग कई सारी चीज़ें लिख सकते हैं। देखिए क ल म, ठीक, इसमें से भी शब्द आप देखिए मिलते जुलते बहुत सारे शब्द हैं। जैसे हमने यहाँ कमल लिखा, कलश लिखा, लहर है, मटर है, इस तरह से आप लिखना शुरू कर सकते हैं। फिर इसके बाद देखिए चार अक्षर वाले शब्द होते हैं, चार अक्षर वाले शब्दों को लिखते हैं। जैसे हमने एक लिख के दिखा है, बच्चों से बोलते हैं कि आप लोग लिखिए, तो बच्चे लिखने की प्रैक्टिस करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, टम टम, ठीक, पन घ ट, ठीक, पनघट हो गया। और क्या हो सकता है बेटा, पनघट के अलावा हम लोग क्या लिख सकते हैं, दमकल, दमकल, और फिर उसके बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं, थर्मस, देखिए थ र म श, ठीक, थर्मस। इस तरह से हम क्या करेंगे, ऐसे बच्चों को सिखाएंगे कि कैसे बच्चों को अच्छे से और बच्चे उसको आकर्षित होके लिखें। इस तरह से अगर सीट रहती है तो बच्चों को देखने में बहुत अच्छा लगता है, और पेरेंट्स को भी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती है। जिस तरह से हमने सीट बनाया है वैसे ही आप सर्कल देके आप ऐसे बना दीजिए और बच्चे देख के उसको अच्छी तरह से सीख सकते हैं, ठीक है बेटा। आप लोग इसको सीखिए और पेरेंट्स आप भी सिखाइए, ठीक है, थैंक यू।